जय हिंद दोस्तों। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है आज के सेशन में। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के रूल्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। और ये जो रूल्स हैं ये वो रूल्स हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन को, जो कि बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स का क्वेश्चन है, जिसको कि हम आज समझेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ऑफिशियल रूल्स हैं, वो इसके बारे में क्या बोलते हैं। क्वेश्चन है कि विल द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ हुम हस्बैंड इज डायरेक्टली रिक्रूटेड इन क्लास 3, दैट इज ग्रुप सी, और क्लास 4, दैट इज ग्रुप डी एम्प्लॉयज, एंड ही गेट्स इन टू क्लास 1, दैट इज ग्रुप ए, एट द एज ऑफ 40 और अर्लियर, बी ट्रीटेड टू बी फॉलिंग इन क्रीमी लेयर। क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी कैंडिडेट के फादर जो डायरेक्टली रिक्रूट हुए थे ग्रुप सी में या ग्रुप डी में, और उसके बाद वो 40 साल या उसके पहले ग्रुप ए में प्रमोट हो जाते हैं, तो क्या वो क्रीमी लेयर में आएंगे। क्वेश्चन एक बार फिर से समझिए, अगर किसी कैंडिडेट के फादर, वो कैंडिडेट जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को रिजर्वेशन को क्लेम कर रहा है, उसके फादर डायरेक्टली रिक्रूट हुए थे ग्रुप सी और ग्रुप डी में, और वो प्रमोशन के तहत 40 साल या उसके पहले ग्रुप ए में प्रमोट हो जाते हैं, तो उस तरह का कैंडिडेट क्रीमी लेयर में आएगा या नॉन क्रीमी लेयर में आएगा। इस रूल को समझने के लिए हम चलते हैं अदर बैकवर्ड क्लास की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे चलते हैं और देखते हैं इस क्वेरी से रिलेटेड रूल क्या बोलता है। देखिए इसको पहले रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसको समझते हैं। इट इज क्लैरिफाइड दैट द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ पेरेंट्स ऑफ हुम ओनली द हस्बैंड इज अ डायरेक्टली रिक्रूटेड क्लास बी और ग्रुप बी ऑफिसर हु गेट्स इन टू ग्रुप ए एट द एज ऑफ 40 और अर्लियर आर ट्रीटेड टू बी इन क्रीमी लेयर, राइट। इफ द फादर इज डायरेक्टली रिक्रूटेड इन क्लास 3 और ग्रुप सी और क्लास 4 और ग्रुप डी एम्प्लॉय एंड ही गेट्स इन टू क्लास 1 ग्रुप ए एट द एज ऑफ 40 और अर्लियर, His sons and daughters shall not be treated to be falling in creamy layer. यानी जो हमारा क्वेश्चन था उसका जवाब है कि अगर किसी कैंडिडेट के फादर ग्रुप सी और ग्रुप डी में डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं और 40 साल या उसके पहले ग्रुप ए में प्रमोट हो जाते हैं, तो वो क्रीमी लेयर में फॉल नहीं करेंगे, वो नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर सकते हैं। होता क्या है कि जब कैंडिडेट के फादर ग्रुप बी में डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं और 40 साल या उसके पहले ग्रुप ए में चले जाते हैं, वो क्रीमी लेयर में आता है। लेकिन अगर वो डायरेक्टली ग्रुप सी और ग्रुप डी में रिक्रूट हुए हैं और ग्रुप ए में प्रमोट होते हैं, भले ही 40 साल या उसके पहले हो जाए, वो क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, वो नॉन क्रीमी लेयर में ही आते हैं। आज के सेशन में हमने एक इंपॉर्टेंट क्वेरी को डिस्कस किया और आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि अगर किसी भी कैंडिडेट के फादर डायरेक्टली रिक्रूट होते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी में और प्रमोशन के तहत वो 40 साल या उसके पहले ग्रुप ए में आ जाते हैं, तब भी कैंडिडेट ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को अवेल कर पाएगा। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपके लिए हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर इसके बाद भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसका रिप्लाई करूंगा, और अगर जरूरत होगी तो इसी तरह एक वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। फ्रेंड्स, आई एम विशिंग यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ योर अपकमिंग एग्जाम्स। जय हिंद दोस्तों।